सोलन जिला में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो रहा है। जिला में सोमवार को 169 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर मामले धर्मपुर ब्लॉक में सामने आए हैं। वहीं जिला में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को सोलन जिला में 724 लोगों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया था, जिनमें से 169 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सोलन शहर में 5, नालागढ़ ब्लॉक में 42, धर्मपुर ब्लॉक में 84, सारी ब्लॉक में 12, अर्की ब्लॉक में 15, चंडी ब्लॉक में 1 व सोलन जिला में 10 अन्य कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना से सोमवार को एक 41 वर्षीय व्यक्ति की मौत भी हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सोलन जिला में 654 एक्टिव केस हैं। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर ही निकलने की अपील भी की है। चकाचौंध पर ना जाइए, हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए आपकी अपनी दुकान दीपक ज्वेलर्स चली आइए। नवरात्रों से दिवाली तक मेकिंग चार्जेस पर भारी छूट। तो सोच क्या रहे हैं, सोने व चांदी के गहनों की खरीदारी के लिए एक बार जरूर पधारे दीपक ज्वेलर्स, लक्कड़ बाजार सोलन।